दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से न्यू अपडेट आ चुका है 14वीं किस्त के बारे में। बहुत से किसान भाइयों का 14वीं किस्त के बारे में यहाँ पे आर एप टू सिग्नेचर बाई स्टेट लिख के आ रहा है, 14वीं इंस्टॉलमेंट लिखे भी आ रहा है। आप भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लें कि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में 14वीं किस्त के बारे में कोई न्यू अपडेट आया है या नहीं आया है। तो हम अपना बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें, तो उसके लिए हम आ जाएंगे pmkisan.government.in इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद में आपको यहाँ मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस। यहाँ से आप अपना स्टेटस बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। वैसे आपको यहाँ से कैप्चा फिल कर देना है। वैसे आप गेटअप डाटा पे ओके करेंगे। जैसे आप गेटअप डाटा पे ओके करेंगे तो आपको जो बेनिफिशियरी फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नज़र आ जाएगी। दोस्तों हम बता दें, जो पुराने किसान भाई हैं उनका भी डेटा आपको शो हो जाएगा। आप न्यू फार्म जैसे अप्रूवल हुआ है, आपका फर्स्ट टाइम किस्त आने को है, तो आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारी जो किस्तें हैं वो कितनी हमारे खाते में आ रही हैं या क्या अपडेट आ रहा है। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपको डेटा यहाँ से शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस भी दिख जाएगा। थोड़े नीचे आएंगे, यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स भी यहाँ नज़र आएगा आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आपको देख लेना है, 14 में आ रहा है। और उसके बाद में आपको यहाँ से देख लेना है आर एप टू सिग्नेचर वाई स्टेट, मतलब जो सिग्नेचर हो गया स्टेट गवर्नमेंट के, जो सिग्नेचर होता है, जो फंड ट्रांसफर होता है, 14वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ देख लेना है, खाली 14वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिख के आ रहा है और यहाँ पे अभी यूटीआर नंबर नहीं आ रहा है, मतलब इनके जो पैसा है इनके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है। यहाँ बैंक नेम ना आ रहा है, जहाँ अकाउंट क्रेडिट नहीं आ रहा है, क्रेडिट ऑन नहीं आ रहा है, खाली यहाँ पे 14वीं किस्त इंस्टॉलमेंट आर एफ टी सिग्नेचर बाई स्टेट चल रहा है, मतलब इनका जो पेंडिंग में चल रहा है 14वीं किस्त का, इनका यहाँ से लोगो छपके आ गया कि 14वीं किस्त जो होती है वो इनके खाते में क्रेडिट की जाएगी। दोस्तों आप भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लें कि आपके में भी तो नहीं आ रहा है। दोस्तों यदि आपके भी आ रहा है तो अच्छी बात है, 14वीं किस्त का जो लाभ होगा वो जल्द से जल्द आपके खाते में भेज दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 14वीं किस्त आने से पहले दोस्तों आपके पास में जो एलिजिबिलिटी है, जैसे आपको एलिजिबिलिटी में आपको चेक कर लेना है कि आपकी लैंड सेटिंग यस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तभी आपको 14वीं किस्त का लाभ मिलेगा दोस्तों। यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो आ रही है, लैंड सेटिंग नो आ रही है, तो आपको 14वीं किस्त का जो लाभ होता है वो नहीं मिलेगा। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ और फर्स्ट टाइम फॉर्म को अप्रूवल किया है, पहली किस्त मिलनी जा रही है, तो उनका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस लाजमी नो होगा। और जब आपका नो होगा तो पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त आने को है या 14वीं किस्त या आपकी शुरू की जो किस्तें सभी आने को है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस आपका एक मंथ लग जाता है, वन मंथ आपका लग जाएगा यस होने में। जब आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस हो जाता है, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ होता है, जो किस्तें होती हैं, तो आपको मिल पाएंगे। तीसरा नंबर आता है दोस्तों, आपको ईकेवाईसी कंप्लीटेड होना चाहिए, आपकी ईकेवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपकी ईकेवाईसी पेंडिंग आ रही है या ईकेवाईसी करेक्शन आ रही है, ईकेवाईसी नॉट डन आ रही है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा और आप किस्त से वंचित हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार का भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है दोस्तों, आपको जैसे आपके आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यहाँ नो दिखा रहा है और आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस लगा हुआ है और यहाँ पे नो दिखा रहा है, तो दोस्तों आपको वन मंथ से वेट कर लेना है, 15 से 30 दिन का इसमें वेट लगता है दोस्तों पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट होने में। जब आपका अपडेट हो जाएगा तो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस भी आपका यस हो जाएगा। इतना सब होने के बाद में आपको यहाँ देख लेना है ऐप टू प्रोसेस यस। दोस्तों बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका ऐप टू प्रोसेस नो है, तो उन्हें पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों एप टू प्रोसेस नो होता है उन किसान भाइयों को होता है, जैसे बैंक अकाउंट नॉट सेटिंग हो पाया, जैसे बैंक यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखा रहा है, उसकी वजह से उनका एप टू प्रोसेस भी नो दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस अभी हाल फिलहाल में यस हुआ है, तो आपका एप टू प्रोसेस नो आ रहा है, तो आप कुछ दिन का वेट करें तो आपका एप टू प्रोसेस वन मंथ या 20 दिन या 25 दिन में आपका एप टू प्रोसेस यस हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस देखना है खाली। यदि आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस है, लैंड सेटिंग यस है, ईकेवाईसी यस है, तो आपको एप टू प्रोसेस भी यस हो जाएगा। कुछ दिन का वेट करें और आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होगा वो 100% आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो रीजन ऑफ एप टू नॉट प्रोसेस, मतलब आपको जो फंड ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको नोट आता है, यहाँ लिख के आ रहा है, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा भेजा जा रहा है वो होल्ड कर दिया गया है, अभी आपके खाते में नहीं भेजा गया, उसकी वजह से आपको एप टू नॉट प्रोसेस लिख के आता है। और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा पेमेंट स्टेटस, आपको मिल जाएगा आर एफ टी सिग्नेचर बाई स्टेट फॉर 14वीं इंस्टॉलमेंट, मतलब जो सिग्नेचर बाई है 14वीं किस्त के
के बारे में है, जो उनका पैसा है वो अभी पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है अभी किसान भाइयों के खाते में भेजा जाएगा उनके लिए, अभी यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है, बट अभी जो पैसा है पीएम किसान सम्मान निधि का वो उनके खाते में नहीं भेजा गया है। यहाँ से बैंक नेम भी नहीं आ रहा है, यूटीआर नंबर भी नहीं आ रहा है, यहाँ से पेमेंट मोड आधार कार्ड है, यहाँ से अकाउंट नंबर भी नहीं आ रहा है, किस बैंक में पैसा ट्रांसफर किया गया है और किस में नहीं किया है। जब यहाँ पर आपका ऐप टू प्रोसेस यस आ जाएगा तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होगा वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा दोस्तों, ठीक। रीजन ऑफ ऐप टू नॉट प्रोसेस आ रहा है, यहाँ पर रीजन ऐप टू यस आ जाएगा, प्रोसेस यस आ जाएगा, जैसे ऐप टू प्रोसेस यस आ रहा है वैसे आप समझ लेना कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो हमारे खाते में भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी जो आर सिग्नेचर वाइज 14वीं इंस्टॉलमेंट लिख के आ रही है तो कुछ दिन के जुलाई के लास्ट तक आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है, जुलाई के लास्ट तक आपका जो पैसा होता है वो सभी आपके खाते में पहुंच जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको अपना बस इतना ख्याल रखना है, आपकी यहाँ से आधार कार्ड में कौन सीटिंग स्टेटस यस होना चाहिए सबसे पहले, और दूसरी बात होता है जो ई केवाईसी यस होना चाहिए, तीसरी बात है लैंड सीटिंग यस होना चाहिए, तीन और जो लास्ट में हो जाता है फोर्थ, आपको यहाँ से ऐप टू प्रोसेस यस होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपके खाते में टाइम बाय टाइम पहुँचेगा और कोई भी रुकावट नहीं होगी दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।